Good morning to all of our students of class 6. आप लोग को पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1G के बारे में बताया था, यानी कि रोमन न्यूमेरल्स के बारे में आप लोग को बताए थे, उसको कैसे लिखा जाता है। और ऐसा करता हूँ कि आप लोग जो है एक्सरसाइज 1G बना भी लिए होंगे। उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज 1H जो कि चूज ऑप्शन है ये भी बन जाएगा, और उसके बाद सीसी टेस्ट पेपर 1 इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज मैं आप लोग को एक लेसन 2 के बारे में शुरू करने जा रहा हूँ, लेसन 2 जिसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना है। लेसन 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले जानेंगे फैक्टर के बारे में। फैक्टर किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि फैक्टर किसे कहते हैं। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। किसी भी फैक्टर, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, यानी कि उस नंबर को वह पूरा पूरा काट देता है। अगर नहीं काटता है तो फैक्टर नहीं कहलाता। इसको हम लोग दूसरे तरह से ही बोल सकते हैं कि इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, एंड द अनदर नंबर कंप्लीटली डिवाइड द फर्स्ट नंबर, देन द अनदर नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ गिवन। यानी कि यदि एक नंबर से हम दूसरे नंबर में डिवाइड करते हैं और पहला नंबर दूसरे नंबर को अगर पूरा पूरा काट देता है तो पहला नंबर जो है दूसरे नंबर का फैक्टर कहलाता है। जैसे एग्जांपल में थर्टी सिक्स डिवाइड 5 इज इक्वल टू 35 डिवाइड 5 लेते हैं एग्जांपल, रिजल्ट में आ जाएगा 7। यानी कि 35 में हम 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो यह पूरा पूरा कट जाता है 7 बार। इसलिए 5 इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ 35। पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 21 हुआ, यानी 3 अगर 7 टाइम्स पढ़ते हैं तो 21 आएगा, या 7 अगर 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो भी 21। तो इस कंडीशन में इसलिए चूंकि 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 21, इसलिए 3 एंड 7 आर
फैक्टर्स ऑफ 21, क्योंकि 3 टेबल में 21 आएगा और 7 टेबल में भी 21 आएगा, तो 3 और 7 जो है 21 का फैक्टर होगा। नोट में इसमें एक नोट में याद रख लेंगे। नंबर 1 में 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का एक फैक्टर 1 जरूर होता है। यानी एग्जाम्पल में लेते हैं कि 36 में यदि 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी कि 1 से 36 बार में कट गया, और जब पूरा पूरा कट गया तो 1 जो है 36 का फैक्टर कहलाएगा। नंबर 2 में द नंबर से लिखते हैं एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर खुद का एक फैक्टर होता है, यानी कि कोई भी नंबर जो है अपने आप से भी कट जाता है। जैसे एग्जांपल में 36 में यदि 36 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा, यानी कि 36 से 36 कट गया 1 बार में, यानी कि 36 36 का फैक्टर होगा। कहने का मतलब यह हुआ इसमें कि किसी भी नंबर का एटलीस्ट कम से कम 2 फैक्टर होता है, एक 1 और एक नंबर खुद। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ जो है फैक्टर होता है किसी भी नंबर का कम से कम। दूसरा नंबर आप लोग को पढ़ना है मल्टीपल, मल्टीपल को हिंदी में अपवर्त कहते हैं और फैक्टर को हिंदी में अपवर्तक कहते हैं। खैर हिंदी छोड़िए उसको। ए नंबर इज कॉल्ड ए मल्टीपल ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, एक नंबर अपने सभी फैक्टर का मल्टीपल कहलाता है, यानी मल्टीपल जो है फैक्टर का अपोजिट। इस एग्जांपल में थ्री मल्टीप्लाई सेवन इज इक्वल टू 21, उसमें एग्जांपल लिए थे। यहाँ 3 और 7 जो है 21 का फैक्टर,
लेकिन दूसरे तरफ से अगर ले हियर 21 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7। उसमें था 3 एंड 7 आर द फैक्टर ऑफ 21 और 21 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7, जस्ट उसका अपोजिट होता है। किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना बहुत आसान है क्योंकि इसमें टेबल पढ़ना। एग्जाम्पल नंबर 2, मल्टीपल्स ऑफ 7 इज इक्वल टू, अगर मल्टीपल 7 का मल्टीपल निकालना है आपको तो 7 का टेबल पढ़ते चल जाइए। ETC यानी किसी भी नंबर के मल्टीपल की संख्या जो है इनफिनाइट होता है, कभी खत्म नहीं होता। और सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, वह खुद होता है, वह नंबर खुद होता है। इसको लिख नहीं रहे हैं आप लोग, इसको समझें। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो है वह नंबर खुद होता है, और लार्जेस्ट मल्टीपल को लिखा लिखा नहीं जा सकता क्योंकि इसका मल्टीपल खत्म होता ही नहीं। जितना आप चाहें उतना मल्टीपल निकाल सकते। तो ये हो गया आपका मल्टीपल। आगे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में जानना है। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर के विभिन्न प्रकार। पहला में आप लोग इसके बारे में ऐसे जानते हैं, इवन नंबर। मतलब सम संख्या। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। टू के जितने भी मल्टीपल हैं उनको हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डॉट 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 ETC। यानी कि इवन नंबर मतलब कि जिन नंबर्स को हम लोग पेयर में ले सकते हैं पूरा पूरा, उन्हें हम लोग इवन नंबर कहते हैं। इसका पहचान लिखा देते हैं आप लोग को नोट में। ये नंबर होज वंस प्लेस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8 इज कॉल्ड एन इवेन नंबर। जिस नंबर का इकाई स्थान का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 इसमें से कोई हो तो उसे इवेन नंबर कहते हैं। तो इसके अनुसार हम लोग जो है कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, 312, 720, 556, 728, etc। ये केवल वंस प्लेस से पता चल जाएगा कि इवन नंबर है कि
इसमें टू है, इवन नंबर हो गया, इसमें जीरो है, इसमें सिक्स है, इसमें एट। आज के लिए इतना ही। ये जो सारे पॉइंट्स आपको बताए इसको केवल याद कीजिएगा, अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा। और एक्सरसाइज के रूप में आप लोगों को पहले भी बताए थे कि 1H सीसी टेस्ट पेपर 1 इसको ही बनाएंगे। इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर में अभी और भी बहुत सारे हैं, इन सभी के बारे में अगले वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।